साइंस काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह है सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेडी आई क्यू जी पर फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लेकर आया हूं फ्रेंड्स मैं आपको आज लाइट चैप्टर कराऊंगा जो कि साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से हर एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले अच्छे से रट लेना एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं वही क्वेश्चन लेके आया आए जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन है हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट की बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं तो सही आंसर है ऑप्टिक्स बोला जाता है लाइट के बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है तो आंसर है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकंड जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में होती है या आप बोलो एयर में होती है फ्रेंड्स यहाँ पे जो यूनिट यूज हुई है वो हुई है मीटर पर सेकेंड अगर आपको आंसर ऑप्शन में किलोमीटर पर आर दिया होगा तो आपका आंसर होगा थ्री इंटू टेन की पावर फाइव किलोमीटर पर आवर ठीक है फ्रेंड्स ये दोनों आंसर सही हैं अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम सन सन से अर्थ पे लाइट आने में कितना टाइम लगता है तो आंसर इसका एट मिनट्स ट्वेंटी सेकेंड जो है ये टाइम लगता है सन से अर्थ पे लाइट पहुंचने में फ्रेंड्स अगर आपको ऑप्शन में एट मिनट फिफ्टीन सेकेंड दिया हो या एट मिनट दिया हो फ्रेंड्स ये आंसर भी सही है और ये जो एट मिनट ट्वेंटी सेकेंड है ये अप्रॉक्स टाइम है ठीक है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो विजिबल लाइट होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है तो सही आंसर इसका 3900 नाइन से लेके 7800 एट हंड्रेड तक जो विजिबल लाइट होती है इसकी वेवलेंथ होती है फ्रेंड्स अगर हम अगर आपको ऑप्शन में नैनोमीटर दिया होगा तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे फोर नैनोमीटर से लेकर सेवन नैनोमीटर तक जो विजिबल लाइट है उसकी वेव होती है ठीक है नैनोमीटर में ये ये आंसर होगा अगर आपका आंसट्रॉम में दिया हो तो फ्रेंड्स ये आंसर होगा ठीक है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विच फिनोमिना प्रूव्स दैट लाइट इज अ ट्रांसफर्स इन नेचर

अगला क्वेश्चन हमारा है नेम द फिनोमिना बाय विच कलर ऑफ स्काई अपीयर्स एज ब्लू वह कौन सा फिनोमिना है जिससे कि जो हमारा स्काई है मतलब जो आसमान है वो हमें ब्लू कलर का नजर आता है तो आंसर इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना के कारण जो कलर है स्काई का वो ब्लू कलर का नजर आता है क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच कलर किस कलर के लाइट में जो स्कैटरिंग होता है सबसे ज़्यादा होता है तो आंसर इसका जो वायलेट कलर होता है इसमें जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मिनिमम इन विच कलर जो स्कैटरिंग होता है लाइट का वो किस कलर में सबसे कम होता है तो आंसर इसका जो रेड कलर होता है इसमें जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे कम होता है फ्रेंड देखो जो वायलेट कलर होता है ना इसका जो वेवलेंथ होता है वेवलेंथ बहुत कम होता है वेवलेंथ कम होने के कारण इसमें स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है जो रेड कलर फ्रेंड्स का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है इस कारण से जो स्कैटरिंग है इसमें बहुत कम होती है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बाय विच फिनोमिना सन लुक्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब भी भी सन मतलब जब भी सूरज निकलता है और जब भी, भी सूरज डूबता है उस टाइम जो फ्रेंड्स सन है ना वो लाल कलर का नजर क्यों आता है तो आंसर इसका ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है सन जो है वो हमें लाल कल का नजर आता है सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एनी मटेरियल विच अलाउ मोस्ट ऑफ द इंसीडेंट लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड फ्रेंड वो कौन सा मटेरियल होता है जिससे कि जो लाइट होता है मैं आपको ये चीज फोटो बना के बताता हूँ फ्रेंड सपोज करो ये मटीरियल है ठीक है अगर यहाँ पे कोई इंसीडेंट लाइट आ रहा है ठीक है अगर वो यहाँ से बिल्कुल आराम से पास कर रहा है तो उसे उस मटीरियल को हम क्या बोलेंगे तो आंसर इसका उसको हम ट्रांसपेरेंट मटीरियल बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड जो आपका ग्लास हो गया ठीक है जो ग्लास हो गया फ्रेंड्स ये ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि इसमें से कोई भी जो लाइट आएगा फ्रेंड्स वो पास कर जाता है है ना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एनी मटेरियल विच अलाउ सम इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल फ्रेंड्स वो कौन सा मटेरियल होता है जिसमें से कुछ ही लाइट जो होते हैं वो पास करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं तो आंसर इसका ट्रांसलूसेंट फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के लिए आप बटर पेपर बोल लो ठीक है बटर पेपर बोल लो या आप ऑयल पेपर बोल लो फ्रेंड्स यहाँ से लाइट पास करता तो है लेकिन कम करता है उसको हम ट्रांसलूसेंट मटीरियल बोलते हैं और जिससे लाइट बिल्कुल आराम से पास कर जाए उसे हम ट्रांसपेरेंट मटीरियल बोलते हैं त्रां अगला क्वेश्चन कह लेते हैं एनी मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड फ्रेंड्स वह कौन सा मटेरियल होता है जिससे कि कोई भी लाइट जो होता है ना वो पास नहीं करता फ्रेंड्स जैसे समझ लो ये कोई मटेरियल है अगर यहाँ पे कोई लाइट फॉल किया अगर लाइट यहाँ बिल्कुल भी ना आए उसे हम बोलते हैं कि वो वो ओपेक मटेरियल है ठीक है इंपॉर्टेंट है ये अगला क्वेश्चन कह लेते हैं ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट बाय दैम सेल्व लाइक सन स्टार आर कॉल्ड फ्रेंड्स पर कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं ठीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं तो आंसर इसका उसे हम लुमिनियस बॉडी बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए आप सन बोल लो स्टार्स बोल लो ठीक है इसलिए हम इसे लुमिनियस बॉडीज बोलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है एस्ट्रोनॉमर इन स्पेस वेल लुक आउटसाइड फ्रॉम स्पेस क्राफ्ट द स्काई विल अपेयर फ्रेंड अगर कोई भी एस्ट्रोनोमर है वो अगर स्पेस में गया है ठीक है वो अपने स्पेस क्राफ्ट से अगर बाहर देखता है तो उसको जो स्काई है वो कैसा नज़र आएगा तो आंसर है इसका ब्लैक कलर का नज़र आएगा ब्लैक कलर का नज़र फ्रेंड्स इसलिए आएगा क्योंकि जो लाइट होता है ना उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है लेकिन एटमॉस्फेयर चाहिए होता है लेकिन जो स्पेस है वहाँ पर कोई एटमोसफेयर नहीं है ठीक है यहाँ पर एटमॉसफेयर नहीं होता इस वजह से फिर जो जो मतलब स्काई है वो ब्लैक कलर का नज़र आता है एस्ट्रोनोमर का अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट बाय बाईस आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट एमिट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं तो आंसर इसका उन्हें हम बोलते हैं नॉन लुमिनस बॉडी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एग्जाम के लिए जब आपके ये हंड्रेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स की जरूरत ना पड़े अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टार विच आपने देखा होगा कि जो स्टार्स हैं वो हैं आसमान में तो उसके पीछे कौन सा फिनोमिना होता है तो आंसर इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमिना है वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का फिनोमिना होता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं स्विमिंग पूल डीप देन इट्स एक्चुअल डेप्थ इज़ ड्यू टू फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल होता है अगर उसकी गहराई इतनी है लेकिन फ्रेंड्स जब आप ऊपर से जब देखते हो ना वो आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आता है मतलब कम गहरा नज़र आता है वो किस कारण से आता है तो आंसर है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो स्विमिंग पूल है वो हमें कम गहरा नज़र आता है फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल आपको मैं और देता हूँ अगर आपने एक गिलास में कोई सिक्का डाला है ठीक है जब सिक्का डालोगे ना फ्रेंड्स अब जब आप उससे उप ऊपर से, से देखोगे वो सिक्का आपको थोड़ा ऊपर सा उठा हुआ नजर आएगा उसके पीछे भी यही कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सेम क्वेश्चन आ गया अब कॉइन इन बकेट अपेयर लेस डीपर इज ड्यू टू विच फिनोमिना फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर फिगर से समझाया किसी भी बकेट में अगर कोई कॉइन पड़ा हुआ है अगर हम उसको ऊपर से देखोगे वो आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा उसके पीछे क्या फिनोमिना है तो आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगला क्वेश्चन कर लेते हैं है है। उसके पीछे क्या रीजन होता, तो जो, जो होता है वो भी होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जितने भी क्वेश्चन है ना बस आपको लर्न करने हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे ठीक है जैसे जैसे लाइनिंग है ना ऐसे ही सेम टू सेम डू पूछे जाएंगे आपसे ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा है वाइस एंड अपेयर अर्ली बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनराइज फ्रेंड्स आपने देख जो सन होता है ना ये जब निकलने वाला होता है ना उससे दो मिनट पहले ही हमें दिख जाता है ठीक है और जब सूरज डूब जाता है ना शाम को उसके दो मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता है मतलब पूरे दिन में ना फ्रेंड्स चार मिनट एक्स्ट्रा होते हैं चार मिनट एक्स्ट्रा मतलब चार मिनट जो दिन होता है ना वो लंबा होता है क्यों होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो सूरज है वो हमें पहले नज़र आ जाता है और डूबने के दो मिनट बाद तक भी नज़र आता है ठीक है तो उसके पीछे फिनोबिन हुआ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगला क्वेश्चन कर लेते हैं राइटिंग ऑन पेपर अ पेयर लिफ्टेड ग्लास ग्लासैब इज प्लेस्ड ओवर द पेपर फ्रेंड्स क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपने पेपर पे कुछ भी लिखा है जैसे मोज करो ये पेपर है इसपे आपने कुछ भी लिखा है ठीक है पेपर में लिखने के बाद जब उसके बाद ग्लास ग्लास स्लैब डालोगे ना कोई भी शीशा डाल दोगे ये चीज ना ऊपर को उभरा हुआ नजर आएगा मतलब ऊपर को उठा हुआ नजर आएगा उसके पीछे कौन सा फिनोमिना होता है तो आंसर है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब इसके पीछे भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है फिन जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मास्टर वीडियो है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो स्पीड लाइट की जो स्पीड होती है वाटर में मतलब पानी में वो कितनी होती है तो आंसर है टू पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड जो है ये लाइट की स्पीड होती है वाटर में अपन आपको ऊपर बताया कि अगर आपसे वैक्यूम में पूछा जाए या आपसे एयर में पूछा जाए तो फ्रेंड्स तो वो होता है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है हमारा व्हाट इज द मेन कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसका मेन कंडीशन क्या होता है तो आंसर इसका लाइट शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम फ्रेंड्स ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना है ये साइंस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं तो ये आप अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन हमारा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मेन कंडीशन क्या होना चाहिए तो मैंने आपको बताया कि जो लाइट होता है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में चाहना चाहिए फ्रेंड देखो अगर सपोज करो ये एक डेंसर देंस, मीडियम है डेंसर मीडियम मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा क्या बताया मैंने आपको डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होता है ठीक है सपोज करो ये ग्लास है और ऊपर है रियरर मीडियम मतलब एयर क्योंकि जो फ्रेंड्स एयर होता है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है इन्होंने हमें ये बोला कि जो लाइट जो सोर्स होना चाहिए वो हमेशा डेंसर मीडियम होना चाहिए मतलब डेंसर मीडियम से जो लाइट है वो रियर मीडियम में जाना चाहिए ठीक है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं

प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो आंसर है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है मिराज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल फ्रेंड जो कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम जो ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं ठीक है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो आंसर इसका टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन फिनोम पे वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर फ्रेंड्स आजकल जो हम जियो की सिम यूज़ करते हैं ठीक है डाटा ट्रांसफर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है इसमें ठीक है नेट भी बहुत फास्ट चलता है और वीडियो कॉलिंग भी काफ़ी ज्यादा अच्छी होती है वो इस कारण से होती है क्योंकि फ्रेंड्स में ऑप्टिकल फाइबर जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हो रही है और जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है ये टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ये भी मोस्ट है एंडोस्कोपी इन मेडिकल साइंस इज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल जो एंडोस्कोपी है जो कि मेडिकल साइंस में हम यूज करते हैं बॉडी के अंदर के पार्ट्स को चेक करने के लिए वो किस फिनोमिना पे वर्क करता है मतलब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो आपका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करता है एंडोस्कोपी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कैरोसिन ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सर्फेस अपेयर्स टू बी कलर्ड इज ड्यू टू फिर आपने देखा होगा कि अगर कोई भी पानी है ठीक है पानी के ऊपर आप कैरोसिन डाल दो या कोई भी आप ऑयल डाल दो या पेट्रोल डाल दो वो आपको थोड़ा सा कलर कलर सा नज़र आएगा ठीक है तो उसके पीछे कौन सा फिनोमिना होता है तो आंसर इसका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण अगर कोई भी कैरोसिन ऑयल अगर हम पानी के ऊपर डाल दें वो हमें कलर नज़र आता है क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण

इट बिहेव एस बोथ वेव एंड पार्टिकल मतलब वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है इंपॉर्टेंट है ये अगला क्वेश्चन कर लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लॉइट व्हाइट लाइट इंटू सेवन कलर इज कॉल्ड फ्रेंड्स व्हाइट लाइट का सात कलर में टूटना इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं तो आंसर इसका डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं व्हाइट लाइट का सेवन कलर में टूटना फ्रेंड्स ये चीज आपको मैं फिगर से समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा फ्रेंड देखो सपोज करो हम एक प्रिज्म पहले हम एक प्रिज्म लेते हैं ठीक है ये फिनोमिना करवाने के लिए हमें एक प्रिज्म लेना होता है ठीक है ये प्रिज्म है प्रिज्म फ्रेंड्स एक तरह का ग्लास स्लैब ही होता है ठीक है पता ही कुछ इस शेप का होता है ठीक है ट्राइंगल शेप का यहाँ से वाइट लाइट गया ठीक है ये वाइट लाइट गया जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगा फ्रेंड्स ये सेवन कलर में टूट जाएगा ठीक है सेवन कलर कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स ये होता है विवग्योर वी आई बी G Y O R ठीक है ये सेवन कलर होते हैं वी जो होता है फ्रेंड्स वो वायलेट कलर को रिप्रेजेंट करता है I बताता है इंडिगो को B बताता है ब्लू को G बताता है ग्रीन को Y बताता है येलो को O बताता है ऑरेंज को और R बताता है रेड को मतलब फ्रेंड्स ये जो वाइट कलर है ये सेवन कलर में टूट गया मैंने आपको सेवन कलर बता भी दिए हैं ठीक है इसमें हम प्रीजम यूज़ करते हैं ये आपको ध्यान रखना है ठीक है और फ्रेंड्स ये जो वी वायलेट कलर जो होता है फ्रेंड्स ये कम सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है इसकी और जो वेव होती है फ्रेंड्स वो सबसे कम होती है और फ्रेंड्स ये जो रेड कलर है इसकी जो वेव होती है वो सबसे ज्यादा होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है ठीक है ध्यान रखना आपने अगला क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द सेवन कलर फॉर्मड फ्रॉम प्रिज्म ड्यूरिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट फ्रेंड्स ऊपर ही मैंने आपको बताया कि जो सेवन कलर निकलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिनोमिना में वो होता है इंटीगो बी फॉर ब्लू जी फॉर ग्रीन Y for yellow, O for orange and R for red. Important है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं During dispersion of light, which color of light deviates maximum? वह कौन सा कलर का लाइट होता है जो कि dispersion of light के टाइम में सबसे ज्यादा deviate होता है तो आंसर है इसका violet कलर जो है सबसे ज्यादा deviate होता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं During dispersion of light, which color of light deviates minimum? Dispersion of light का जो फिनोमिना होता है उसमें कौन से कलर का लाइट जो होता है वो कम सबसे कम deviate होता है तो आंसर है red कलर का अगला क्वेश्चन हमारा है वाइल्ड लीव्स ऑफ अ ट्री अपेयर्स इन कलर फ्रेंड्स वह जो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं उनका जो कलर होता है वो हमें हरे कलर का नजर क्यों आता है तो आंसर है इसका एब्जॉर्ब ऑल कलर एंड रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर फ्रेंड्स जो पत्तियाँ होती हैं ठीक है थीके? कुछ इस तरह की होती हैं पेड़ों की पत्तियाँ इस पर जब भी व्हाइट लाइट जो है ना फ्रेंड्स वो फॉल करेगा ये क्या करेगा सभी के सभी जो लाइट्स होते हैं ना कलर जितने भी कलर के होंगे कंपोनेंट उसको अब्सॉर्व कर लेगा बट ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करने के कारण जो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो हमें हरे कलर की नजर आती हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है इन विच लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम किस कलर के लाइट में जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा होता है तो आंसर इसका रेड लाइट फिर तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस एक फिनोमिना होता है एक प्रोसेस होता है प्लांट्स में जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में ठीक है इस प्रेज इस फिनोमिना को हम इस प्रोसेस को हम फोटोसिन्थेसिस बोलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विच कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ वह कौन से कलर का लाइट है जिसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है तो आंसर इसका रेड लाइट जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स इसी कारण से आपने देखा होगा कि जो रेलवे में या सिग्नल में आपने देखा होगा जो रेड कलर हम यूज़ करते हैं ठीक है रेड कलर हम इसलिए यूज़ करते हैं सिग्नल में क्योंकि फ्रेंड्स जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और ये बहुत ही कम स्कैटर्ड करता है मतलब ये फैलता बहुत कम है इस वजह से हम रेड कलर को सिग्नल में भी यूज़ करते हैं ठीक है जैसे आप रेलवे ट्रैक पर देखोगे या फिर कहीं पर भी आप रोड पर जो साइड में खंभे लगे होते हैं वहाँ पर रेड कलर का ही सिग्नल होता है हमेशा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विच कलर ऑफ लाइट हैज़ मिनिमम वेवलेंथ लेंथ कौन से कलर का लाइट है जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है तो आंसर है वॉयलेट कलर का अगला क्वेश्चन कर लेते हैं आवर आई हैज विच टाइप ऑफ लेंस फ्रेंड जो हमारी आंखें होती है उसमें किस टाइप का लेंस यूज होता है तो आंसर इसका कन्वेक्स लेंस यूज होता है फिर जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस तरह का होता है ठीक है तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा आंख भी कुछ इस तरह का ही होता है तो फ्रेंड्स ये जो लेंस होता है ना ये कन्वेक्स लेंस होता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है एस में भी सी में भी यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है लैम्बर्ट्स लॉ इज़ रिलेटेड टू है जो लैम्बर्ट्स लॉ है वो किससे रिलेटेड है तो आंसर है इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है लैम्बर्ट्स लॉ अगला क्वेश्चन हमारा है नेम द मेटल विच इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कौन सा मेटल है जो कि बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है तो आंसर है सिल्वर जो सिल्वर है ये बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है फ्रेंड इसीलिए जब भी हमारा जो प्लेन मिरर होता है ना उस पर जो फ्रेंड जो पीछे हम पॉलिश करते हैं वो सिल्वर की ही पॉलिश करते हैं और ये सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है ठीक है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बता दूं फिर जो मेटल होता है ना ये इसकी डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मेटल होता है ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है यहाँ पे देता हूँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव ठीक है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण इट लूजेस इलेक्ट्रॉन ठीक है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अगला क्वेश्चन हमारा है एनी ऑब्जेक्ट विच एब्सॉर्व ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट नो कलर विल अपेयर फ्रेंड्स ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सभी कलर को एब्सॉर्व कर ले ठीक है और कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट ना करे तो वो ऑब्जेक्ट हमें किस कलर का नजर आएगा तो आंसर है इसका ब्लैक कलर का नजर आएगा फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि जो हमारा जो हमारे स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता था ठीक है वो ब्लैक बोर्ड हमें ब्लैक कलर का नजर क्यों आता था तो उसका आंसर ये था कि ये सभी कलर को ना एब्सॉर्व कर लेता था ठीक है और सभी कलर को एब्सॉर्व करने के बाद कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करने, करने के कारण ये जो ब्लैक बोर्ड है हमें ब्लैक कलर का नजर आता है अगला क्वेश्चन हमारा है वाई रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल में हम रेड लाइट ही क्यों यूज करते हैं तो आंसर है इसका रेड कलर लाइट डिस्पर्स लिस्ट जो लाइट कलर रेड कलर होता है ये बहुत ही कम डिस्पर्स होता है एंड मैक्सिमम वेव लेंथ इसकी जो वेवल्थ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इस कारण से हम ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट यूज़ करते हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वट इज़ टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम मून मून से अर्थ पे लाइट पहुँचने में कितना टाइम लगता है तो आपका आंसर होगा वन पॉइंट टू एट सेकेंड लगता है और फ्रेंड्स ये जो लाइट होता है ना ये एक्चुअल लाइट नहीं होता मून का ये रिफ्लेक्ट लाइट होता है ठीक है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज लाइट लाइट क्या होता है तो आंसर है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपोकेट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट है एक एनर्जी की फॉर्म में है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह प्रोपोगेट करता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द साइंटिस्ट हु मेजर द स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट की जो स्पीड है उसको सबसे पहले मेजर किस साइंटिस्ट ने किया था तो आंसर है अलाउस रोयमर जो थे 1676 में लाइट की स्पीड को मापा था अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ग्लास में स्पीड की लाइट कितनी होती है तो आंसर है टू इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकंड जो है ये ग्लास में लाइट की स्पीड होती है फ्रेंड्स मैं आपको वैक्यूम में भी करवा चुका हूँ और वाटर में भी करवा चुका हूँ और मैंने आपको भी ग्लास में भी करवा दिया फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है तो आंसर इसका जो पावर होता है वो वन बाई एफ होता है ठीक है और जो पावर होता है इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ लेंस लेंस के दो मेन टाइप कौन से होते हैं तो आंसर है एक कन्वेक्स लेंस होता है और एक कनकेव लेंस होता है जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस तरह का होता है ठीक है यह है कन्वेक्स लेंस और जो कनकेव लेंस होता है फ्रेंड्स वो इस तरह का होता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है तो आंसर है इसका कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है एक्शन फिफ्टी वन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कनकेव लेंस राइट आंसर इज डाइवर्जिंग लेंस अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं तो आंसर है मेनली दो टाइप्स होते हैं एक होता है कनकेव मिरर दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर अगला क्वेश्चन है विश टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज एज शेविंग मिरर फिर जो शेव करने के लिए जो मिरर यूज करते हैं वो किस टाइप का मिरर होता है तो आंसर इसका वो कनकेव मिरर होता है अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन सोलर कुकर सोलर कुकर में किस टाइप का मिरर यूज होता है तो आंसर है कनकेव मिरर जो है ये सोलर कुकर में यूज होता है अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज एज डेंटिस्ट मिरर फिर जो डेंटिस्ट होते हैं वो किस टाइप का मिरर यूज होते करते हैं तो आंसर इसका कनकेव मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट अगला क्वेश्चन हमारा है विश टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल फ्रेंड जो गाड़ियों में मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार बोल लो उसमें जो फ्रेंड्स हम मिरर यूज़ करते हैं पीछे देखने के लिए पीछे की गाड़ी को देखने के लिए वो किस टाइप का मिरर होता है तो आंसर है वो कन्वेक्स मिररर होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है अगला क्वेश्चन कह रहे थे विश टाइप ऑफ मिररर इज़ यूज एज स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर स्ट्रीट लाइट पे जो मिररर हम यूज़ करते हैं मतलब एज अ रिफ्लेक्टर वो कौन से टाइप का मिरर होता है तो आंसर है कन्वेक्स मिरर होता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विश टाइप ऑफ मिरर इज यूज एज लुकिंग मिररर इन बाथरूम और ड्रेसिंग टेबल फ्रेन्स हम अपने घरों में जो मिररर यूज करते हैं वो किस टाइप का मिरर होता है तो आंसर है प्लेन मिररर होता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विश टाइप ऑफ लेंस इज थिकर एट द मिडल देन एट द एच वह कौन सा टाइप का मिरर होता है जो कि मिडल में थिकर होता है मतलब मिडल में मोटा होता है और एजिस में पतला होता है तो आंसर है कन्वेक्स लेंस फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है ठीक है यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो मिडल है ये वाला पार्ट थिकर है इसका

चौड़ी है और जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे ये यह कम चौड़ा है ठीक है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो आंसर है इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फ्रेंस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये एक तरह का ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम में और मीडियम में ठीक है रिफ्रैक्टिव तो इंडेक्स उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं और फिर म्यू का फॉर्मुल होता है सी अपॉन वी फ्रेंड ये जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है और ये जो वी है ये स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में होता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप ऑफ कलर कलर इज कॉल्ड प्राइमरी कौन से टाइप का कलर है जिसे कि हम प्राइमरी कलर भी बोलते हैं तो आंसर है ब्लू रेड ग्रीन यानी कि आर जी बी जो कलर होता है इसको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं फ्रेंड्स ये जो प्राइमरी कलर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इस तीनों कलर को मिक्स करके कोई भी कलर डिराइव कर सकते हैं इसलिए इन तीनों को हमने प्राइमरी कलर की कैटेगरी में डाला हुआ है अगला क्वेश्चन है वट इज सेकेंडरी कलर सेकेंडरी कलर क्या होते हैं तो आंसर है कलर प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग एनी टू प्राइमरी कलर मतलब कोई भी दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके जो कलर प्रोड्यूस होता है उसे हम सेकेंडरी कलर बोलते हैं फिर से दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हाउ मैनी सेकेंडरी कलर सेकेंडरी कलर्स कितने होते हैं तो आंसर है थ्री होते हैं एक होता है येल्लो दूसरा होता है मैजेंटा और तीसरा होता है साइन अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और मिक्सिंग ग्रीन कलर एंड रेड कलर फॉर्म डेज फ्रेंड्स कभी भी अगर हम ग्रीन कलर को और रेड कलर को मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट कलर कौन सा आएगा तो आंसर है येलो कलर आएगा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ऑन मिक्सिंग रेड कलर एंड ब्लू कलर रिजल्ट कलर फॉर्म डेज फ्रेंड्स कभी भी अगर हम रेड कलर को और अगर हम ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर फॉर्म होगा तो आंसर है मेजेंटा कलर फॉर्म होगा अगला क्वेश्चन कह लेते हैं ऑन मिक्सिंग ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर

सरफेस है या आप बोलो मिरर है ठीक है यहाँ पे कभी भी कोई इंसिडेंट लाइट जब भी भी आएगा सपोज करो इंसिडेंट लाइट है ये आई ले लिया हमने बीच में हमेशा होता है नॉर्मल ठीक है जो नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाता है अब सपोज़ करो इसने एंगल आई बनाया है यहाँ पे, और फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा उसको करेंगे आर से ठीक है और फिर ये बनाएगा एंगल आर फ्रेंड्स यहाँ पे जो एंगल आई होगा ना वो हमेशा एंगल आर होगा के बराबर होगा तो यही हमारा क्वेश्चन था कि जो इंसिडेंट लाइट होता है मतलब एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होता है वो किसके बराबर होता है तो मैंने आपको बताया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होता है मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन सिक्सटी नाइन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है तो आंसर है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है ये लेजर का फुल फॉर्म होता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट वैन विच कैन नॉट बी सीन विद नेक डाइफ्रेंस में कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन हम उस छोटी चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो आंसर है माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप जो था फ्रेंड्स हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर कोई भी कुछ भी अगर चेक करना है लेबोरेटरी में तो हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व अ डिस्टिट ऑब्जेक्ट क्लियरली वह कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको यूज करके हम दूर की चीजों को क्लियरली देख सकते हैं तो आंसर इसका टेलीस्कोप अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज स्नेल्स लॉ और इवन जो स्नेल्स लॉ होता है उसको हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं ठीक है तो ये क्या होता है तो आंसर इसका द रेशो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आंसर गया था जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है हमने यहाँ पे लिखा मैंने साइन आई टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है ठीक है म्यू के बराबर होता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो आंसर है इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट स्पीड इन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होती है कि जो लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में उसका रेशो स्पीड ऑफ क्वेश्चन सेवनटी थ्री है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो आंसर इसका इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन मीडियम तो रेशियो होता है स्पीड लाइट की स्पीड का वैक्यूम में और मीडियम में ठीक है फ्रेंड्स ये इसका फॉर्मूला होता है ठीक है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वन रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड तो आंसर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का मतलब ये था कि सपोज करो ये कोई मीडियम है अगर ये डेंसर मीडियम है और यह है रेयर मीडियम ठीक है यहाँ से कोई लाइट पास कर रहा है ठीक है अगर ये एंगल नाइन्टी डिग्री बना रहा है यहाँ पर ठीक है इसको हम क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज बेस्ड ऑन विच फिन जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है वो किस किस प्रिंसिपल के के कारण कारण होती है? कारण होती है है मतलब तो आंसर इसका रिफ्लेक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमिना है वो रेनबो की फॉर्मेशन का कारण होता है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर रे ऑफ लाइट टू सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट मस्ट पास फ्रॉम फ्रेंड्स अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें करवाना है तो जो रे ऑफ लाइट होगा वो कहाँ से कहां पास होना चाहिए तो आंसर इसका डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाना

अगला क्वेश्चन है इंडियन साइंटिस्ट सी वी रमन अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर फिर जो इंडियन साइंटिस्ट थे सी वी रमन उनको नोबल प्राइज़ किस क्षेत्र में मिला था तो आंसर इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनने दिया था इन्होंने इसलिए सी वी रमन को नोबल पुरस्कार दिया गया था अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेडियस व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर फिर जो प्लेन मिरर होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है तो आंसर इसका इनफाइनाइट होता है

अगला क्वेश्चन हमारा है कलर ऑफ विजिबल लाइट इज रिलेटेड ऑन विच पैरामीटर जो कलर होता है विजिबल लाइट का वो किस पैरामीटर पे बेस्ड होता है तो आंसर इसका एम्पलीट्यूड पे अगला क्वेश्चन हमारा है इन फोटोग्राफिक कैमरा विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज फोटोग्राफिक कैमरे में किस टाइप का लेंस यूज होता है तो आंसर इसका कन्वेक्स लेंस यूज होता है फोटोग्राफिक कैमरा में अगला क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था तो आंसर है नॉल एंड ट्रुस्का अगला क्वेश्चन हमारा है विच विच व्हाट इज यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर व्हाइट लाइट को सेवन कलर में स्प्लिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं तो आंसर इसका प्रिज्म यूज करते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा है नेम द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी द डिस्पर्जन ऑफ लाइट डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो फिनोमिना होता है उसको स्टडी करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है तो आंसर है स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है क्वेश्चन नंबर एटी है इक्लिप्स अकड ड्यू टू विच फिनोमिना ऑफ लाइट फ्रेंड जो इक्लिप्स होता है जिसको कि हम सोलर इक्लिप्स या लोलर इक्लिप्स भी बोलते हैं वो किस फिनोमिना पे बेस होता है लाइट के तो आंसर है रेक्टीलिनियर प्रोपोगेशन अगला क्वेश्चन हमारा है वेन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स तो आंसर इसका फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का मतलब ये था कि अगर कोई भी लाइट है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका जो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी होगा ना वो हमेशा सेम रहेगा लेकिन उसका जो स्पीड होगा ठीक है वो चेंज होगा और जो फ्रेंड्स की वेवलेंथ है वो चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी यह आपने ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन है वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस व्हेन वी लुक इनटू द मिरर इट इज ड्यू टू फ्रेंड्स हम कभी भी मिरर में अपना जब फेस देखते हैं तो हमें जो फेस दिखता है अपना मिरर में वो क्यों दिखता है तो आंसर इसका ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हमारा जो इमेज है वो हमें मिरर में दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर नाइनटी है ये इंपॉर्टेंट है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया लाइट ठीक है तो आपको यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना कि अगर लाइट आया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो यूनिट होगा वो लाइट रिलेटेड होगा ऐसा कुछ नहीं है लाइट ईयर की जो यूनिट होती है वो डिस्टेंस होती है ठीक है हमेशा ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन है अ लेजर बीम इज ऑलवेज जो लेजर बीम होता है वो हमेशा क्या होता है? तो है होता है 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 तो आंसर पैरेलल बीम मैं आपको बता दू मेरे और भी यूट्यूब चैनल है अगर आपने मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी आई क्यू मैथ्स पे अगर आपने फ्रेंड इंग्लिश पढ़नी है तो आप आना पड़ेगा रवि स्टडी आई क्यू इंग्लिश और एक मेरा मोटिवेशन और टैक का चैनल भी है वो है रवि टेकटॉक फ्रेंड्स तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिलती रहे अगला क्वेश्चन हमारा है एनर्जी एसोसिएटेड विदेंड्स लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रेंड्स लाइट की जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है तो आंसर इसका इट्स अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस लेंस की पावर की यूनिट क्या होती है तो आंसर है डायोप्टर अगला क्वेश्चन हमारा है लीस्ट डिस्टेंस फॉर अ क्लियर विजन ऑफ नॉर्मल आई इज फ्रेंड्स हमें कोई भी चीज क्लियर देखने के लिए लीस्ट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए तो आंसर इसका सेंटीमीटर अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट है ये लाइट फ्रॉम मीडियम मीडियम टू द एंगल ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल क्वेश्चन ये कह रहा है कभी भी लाइट है ठीक है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है ठीक है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ठीक है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है अगर वो 90 डिग्री का हो जाए उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है इन स्पेरिकल मिरर विप मिरर में स्पेरिकल मिरर में जो फोकस होता है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है तो आंसर है इसका f r 2 अगला क्वेश्चन व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आंसर इसका द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रेंड्स कोई भी अगर सरफेस है यहां पे जो लाइट है लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है ठीक है ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के जो दो लॉज होते हैं वो कौन सा होता है तो आंसर है द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन ऑन द सेम प्लेन फिर मैं आपको फिगर से समझाता हूँ देखो मैं अभी नया फिगर बनाता हूँ फिर सपोज करो ये कोई सरफेस है ठीक है यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आया ये रिफ्लेक्ट हुआ ठीक है इसको मैंने लिया आई इसको मैंने लिया आर। बीच में होता है एक नॉर्मल जो नब्बे डिग्री का एंगल बनाता है ये एंगल आई था इंसिडेंट एंगल

ठीक है ये हमेशा इसके बराबर होना चाहिए मतलब एंगल आई इज इक्वल टू हमेशा एंगल आर होना चाहिए ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वट इज द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्मड इन अ प्लेन मिररर प्लेन मिररर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है तो आंसर इसका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिररर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिररर फिर सपोज करो ये एक प्लेन मिररर है जहां पे अगर आप खड़े हो ठीक है यहां पे आप खड़े हो जितनी दूरी फ्रेंड्स ये होगी ना ठीक है यहां पे जितनी दूरी है मिरर से इतनी ही पीछे फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज बनेगी ठीक है आपकी तो यही मैं बताया गया था कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर ठीक है इतनी ही दूर बनी अगर ये दस सेंटीमीटर है तो ये भी दस सेंटीमीटर होगा ठीक है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का व्हाट इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो आंसर है इसका व्हेन रे ऑफ लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज फिगर से समझाता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है सपोज करो फ्रेंड्स ये कोई इंटरफेस है ठीक है ये मीडियम हमने ले लिया मीडियम वन ये हमने ले लिया मीडियम टू सपोज करो यहां से कोई लाइट आ रही है ये लाइट आ रही है ठीक है ये लाइट आ रही है बीच में एक नॉर्मल बनेगा ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना अगर ये डेंसर मीडियम होगा कौन सा मीडियम होगा डेंसर मीडियम और ये होगा रेयरर मीडियम कभी भी लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो ये हमेशा बैंड करेगा टुअर्ड्स तो द नॉर्मल ठीक है मतलब ये एंगल ज़्यादा होगा ये एंगल कम होगा ये कब होगा जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो मैं आपको समझाता हूँ वेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बैंड्स टुआर्ड्स द नॉर्मल ठीक है नॉर्मल के टुआर्ड्स बैंड कर रहा है मतलब नॉर्मल के पास बैंड कर रहा है एक कंडीशन ये होती है दूसरा कंडीशन होता है फ्रेंड्स वो यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर मैंने एक सर्फेस बनाया यहाँ पर लाइट आ रही है ठीक है ये नॉर्मल बनाया मैंने ठीक है अब ये समझना वैन लाइट ट्रेवल फ्राम रेयर एंड मीडियम मतलब मैंने इसको माना रेयर एंड मीडियम यहाँ पे मैंने माना था डेंसर मीडियम ठीक है ऊपर वाले को बट यहाँ मैंने माना है ऊपर वाले को रेर मीडियम और नीचे वाले को माना है डेंसर मीडियम अब ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ वेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बैंड टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब नॉर्मल से ये अवे बैंड करेगा मतलब नॉर्मल से दूर बैंड करेगा ये दूसरी कंडीशन होती है रिफ्क्शन ऑफ लाइट की ठीक है मैं दोनों मैंने आपको बता दिया अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हीट एनर्जी इन सनलाइट इज ड्यू टू फ्रेंड्स जो सनलाइट से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस रेज के कारण होती है तो आंसर इसका इन्फ्राइट रेज के कारण फ्रेंड्स मैंने आपको ये हंड्रेड के लग... क्वेश्चंस करवाए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे इसी वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये हंड्रेड क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही हंड्रेड क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और वीडियो के एंड में आपके दो क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है टेस्ट का आंसर आपने मुझे बाद में एक कमेंट करके जरूर देना है लेकिन पहले मैंने जो आपको हंड्रेड क्वेश्चन करवाए हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ और फ्रेंड्स ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिविजन क्वेश्चन नंबर वन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड राइट आंसर इज ऑप्टिक्स वाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम राइट आंसर इज थ्री इंटू की पावर एट मीटर पर सेकेंड वाट इज द टाइम टेकन बाई लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम सन राइट आंसर इज एट मिनट्स ट्वेंटी सेकेंड्स Next question What is the wavelength of visible light? Right answer is 3900 Armstrong to 7800 Armstrong. Which phenomena proves that light is transverse in nature? Right answer is polarization of light. Name the phenomena by which color of sky appears as blue. Right answer is scattering of light. Scattering of light is maximum in which color? Right answer is violet color. Scattering of light is minimum in which color? Right answer is red color by which phenomena sun looks reddish during sunrise and sunset right answer is scattering of light any material which allow most of the incident light to pass through them are called right answer is transparent any material which allows some of the incident light to pass through them are called right answer is translucent any material which do not allow incident light to pass through them are called right answer is opaque object which emit light by themselves like sun star are called right answer is luminous bodies Astronomer in space will look outside from spacecraft, the sky will appear. Right answer is black. Object which do not emit light by themselves are called. Right answer is non-luminous bodies. Next question: hai, Twinkling of star is based on which phenomena? Right answer is refraction of light. Next question is: swimming pool appears less deep than its actual depth is due to. Right answer is refraction of light coin in bucket appear less deeper is due to which phenomena right answer is refraction of light star in sky seems higher than they actually are is due to which phenomena right answer is refraction of light why sun appear early before sunrise and after sunset right answer is due to refraction of light writing on a paper appears lifted when a glass slab is placed over the paper right answer is due to refraction of light what is the speed of light in water right answer is 2.25 multi 10 power eight meter per second what is the main condition for total internal reflection right answer is light should be traveled from denser medium to rarer medium sparkling of light is due to which phenomena right answer is total internal reflection in summer an optical illusion mirrors or looming scene is based on which phenomena right answer is total internal reflection. Optical fiber in communication is based on which principle? Right answer is total internal reflection. Endoscopy in medical science is works on which principle? Right answer is total internal reflection. Kerosene oil spread on water surface appears to be colored is due to? Right answer is interference of light. Glittering of soap bubbles is due to which phenomena? Right answer is interference of light. What is the nature of light? Right answer is light has dual nature. It behaves as both wave and particle. Splitting of white light into seven color is called right answer is dispersion of light. Name the seven color formed from prism during dispersion of light. Right answer is violet, violet indigo, blue, green, yellow, orange and red. During dispersion of light which color of light deviates maximum? Right answer is violet during dispersion of light which color of light deviates minimum right answer is red while leaves of tree appears green in color right answer is absorb all color and reflects green color in which light rate of photosynthesis is maximum right answer is red light which color of light has maximum wavelength right answer is red which color of light has minimum wavelength right answer is violet our eye has which type of lens? Right answer is convex. Lambert's law is related to? Right answer is illumination. Name a metal which is best reflector of light? Right answer is silver. Any object which absorb all colors and reflect no color will appear? Right answer is black. Why red, color, why red light is used in traffic signal? Right answer is red color light disperse least and maximum wavelength. What is time taken by light to reach earth from moon? Right answer is 1.28 second. What is light? Right answer is light is a form of energy which is propagate electromagnetic wave. Name the scientist who measured the speed of light. Right answer is Olaus Roemer in 1676. What is the speed of light in glass? Right answer is 2 into 10 k power 8 meter per second. What is the relation between power and focal length right answer is p is equal to 1 by f meter what are the two main type of lens right answer is convex lens and concave lens what is the other name of convex lens right answer is converging lens what is the other name of concave lens right answer is diverging lens how many types of spherical mirror right answer is concave mirror and convex mirror which type of mirror is used as shaving mirror right answer is concave mirror Which type of mirror is used in solar cooker right answer is concave mirror Which type of mirror is used as dentist mirror right answer is concave mirror Which type of mirror is used as rear view mirror in automobile right answer is convex mirror Which type of mirror is used as street light reflector right answer is convex mirror which type of mirror is used as looking mirror in bathroom or dressing table? Right answer is plain mirror. Which type of lens is thicker at the middle than at the edges? Right answer is convex lens. Which type of lens is thicker at the edges than at the middle? Right answer is concave mirror. What is refractive index? Right answer is it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium which type of color is called primary color right answer is blue red green what is secondary color right answer is color produced by mixing any two primary color how many secondary colors right answer is three yellow magenta and cyan on mixing green color and red color formed is right answer is yellow on mixing red color and blue color result color formed is right answer is magenta on mixing blue color and green color, result color formed is, right answer is, sign. According to law of reflection, angle of incidence is always equal to the, right answer is, angle of reflection. What is the full form of laser, right answer is, light amplification by stimulated emission of radiation. Name the optical instrument which is used to see the small object which cannot be seen with necktie, right answer is, microscope. Which optical instrument is used to observe a distant object clearly? Right answer is telescope. What is Snell's law or second law of refraction? Right answer is the law of sine of angle of incidence to the sine angle of refraction is constant. Right answer is question number 73 What is refractive index? Right answer it is the ratio of speed of light in vacuum to speed in medium. When ray of light moving from denser to rarer medium at an angle of incidence is greater than critical angle is called right answer is total internal reflection of light formation of rainbow is based on which phenomena right answer is reflection and internal reflection of light for ray of light to suffer total internal reflection it must passes from right answer is denser medium to rarer medium or glass to water or glass to air or water to here next question green leaves of tree viewed in red color will appear right answer is black indian scientist c v raman awarded nobel prize for right answer is scattering of light what is the what is the radius of curvature of plane mirror right answer is infinity which type of wave is used in night vision apparatus right answer is infrared waves air bubble in the water acts like which type of lens right answer is concave lens color of visible light is related on which parameter? Right answer is amplitude. In photographic camera, which type of lens is used? Right answer is convex lens. Name the scientist who invented electron microscope. Right answer is Nolan Ruska. What is used for splitting of white light into seven color Right answer is prism. Name the instrument is used to study the dispersion of light. Right answer is spectrometer. Eclipse occurred due to which phenomena of light? Right answer is rectilinear propagation when ray of light traveling from one medium to another its right answer is frequency remains same we see the image of our face when we look into the mirror it is due to right answer is reflection of light light here is a unit of right answer is distance a laser beam is always right answer is a parallel beam as energy associated with the light depends on right answer is its frequency what is power of lens? What is the unit of power of lens? Right answer is diopter. Least distance for clear vision of normal eye is? Right answer is 25 centimeter. What is critical angle? Right answer is when light travel from denser medium to rarer medium, the angle of incidence in denser medium for which the angle of reflection in rarer medium becomes 90 degree is called critical angle. In spherical mirror, what is the relation between focus and radius of curvature right answer is focus is equal to half of radius of curvature what is reflection of light right answer is the process of sending back the light rays which falls on the surface of the object is called reflection of light what is two law of reflection right answer is the incident ray the reflected ray and the normal all lie in the same plane the angle of reflection is always equal to the angle of incidence what is the position of image formed in a plane mirror? Right answer is distance of image from mirror is equal to distance of object from from mirror. Second last question, what is refraction of light? Right answer is when ray of light deviates from its path at the surface of separation of two medium when it travels from one medium to another. Heat energy in the sunlight is due to right answer is infrared rays. फ्रेंड्स मैंने आपको ये हंड्रेड क्वेश्चन करवाए उसके बाद मैंने आपको ये हंड्रेड क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवा दिया उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये हंड्रेड क्वेश्चन करवा दूंगा रिवाइज भी करवा दूंगा उसके बाद दो क्वेश्चन मैंने आपके टेस्ट भी रखा है दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है पहला क्वेश्चन हमारा है वट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ की पावर मीटर सेकेंड सेकंड ऑप्शन आपको मैं देता हूँ टू इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम सन ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको एट मिनट ट्वेंटी सेकेंड सेकेंड ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ ट्वेंटी मिनट फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मेरे और भी यूट्यूब चैनल है अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी आई मैथ्स पर अगर आपने इंग्लिश पढ़नी है तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी आई इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर अगर आपने फ्रेंड्स मोटिवेशनल वीडियो या टेक वाली वीडियोज देखनी है तो आपको आना पड़ेगा रवि टेक टॉक्स फ्रेंड्स आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती रहे तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फ्रेंड्स अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी कंपेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या आगे जाकर करना चाहता है उसके साथ मेरे इस चैनल के लिंक को आप शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट